आपकी जानकारी के लिए बता दें, थाना मलपुरा क्षेत्र के समीप गांव नगला प्रताप के पास बंद पड़े कारगिल पेट्रोल पंप पर दो बाइकों में आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 5 लोग पूरी तरह लहूलुहान हो गए। बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत देख राहगीरों ने थाना मलपुरा पुलिस को सूचना दी। घटना पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार युवकों को आगरा उपचार के लिए SN हॉस्पिटल भेज दिया। उपचार के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार घटना देर शाम 6 बजे की है। मलपुरा के नगला प्रताप के कैलाशी पुत्र चंद्रभान सिंह उम्र 20 वर्ष अपनी भाभी आशा देवी के साथ छोटा बच्चा बाला उम्र करीब 3 वर्ष तीनों लोग बाइक पर सवार होकर आगरा की ओर से घर की ओर जा रहे थे। तभी रोहता की ओर से आ रहे पिंटू पुत्र दीवान सिंह उम्र 25 वर्ष फतेहपुर सीकरी निवासी के गांव पड़ताल में अपना बाइक लाइट का सामान लेकर आ रहे थे। बंद पड़े कारगिल पेट्रोल पंप पर दोनों की बाइक आमने सामने से टकरा गई। रोहता नहर से आ रहे तेज गति बाइक सवार पिंटू दीवान सिंह ने कस्बा नगला प्रताप बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर बाइक पर बैठे नगला प्रताप के कैलाशी पुत्र दीवान सिंह, उनकी भाभी आशा देवी और गोद में बैठे हुए बच्चे की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। फतेहपुर सीकरी बाइक सवार व्यक्ति नशे में धुत था। इसकी वजह से वह तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और उसने मलपुरा के नज़दीकी कस्बा नगला प्रताप के बाइक सवार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में नगला प्रताप के कैलाशी की भाभी की गोद में बैठे बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बताया जा रहा है कि बाइक पर बैठे सवार युवकों के साथ साथ और एक युवक और एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक कैलाशी, जिनकी शादी अगले महीने 4 नवंबर को होनी थी, फतेहपुर सीकरी मृतक पिंटू पुत्र दीवान सिंह की शादी 16 फरवरी को होनी थी, मगर अब दोनों के परिवारों में मातम छाया हुआ है। मलपुरा सड़क हादसे की खबर सुनकर दोनों परिवारों में चीख पुकार मची हुई है। पूरे मामले पर थाना मलपुरा अध्यक्ष तेजवीर सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में दोनों बाइक आमने सामने से टकरा गई हैं। सड़क दुर्घटना में गोद में बैठे हुए बच्चे की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। सड़क की घटना की सूचना पर तत्काल घायलों को अस्पताल में भेजा गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलपुरा से ऐसा लाइव न्यूज के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ जा रही थी रात को, क्या हुआ? कहाँ से आ रही थी? कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? क्या हुआ फिर, क्या हुआ? मोड़ पी के आ रहा हूँ, मोटरसाइकिल मैगी भी डरे रहे में, दो बच्चा भी गोदी में ही, दो बच्चा डरे पाई में। आपके दो बच्चे थे? और मेरे देवर हो ये बच्चे, देवर थे साथ में, मेरे बच्चा आपका बच्चा था। कितनी उम्र थी? ओ बाबा, ओ मोने पता ही मैं नहीं जाती। ओ भैया, ओ मैं दो चले गए घर में, ओ मैं घर सुना कर गए पूरे आगे मैं ज्यादा साथे आई हूँ। कहाँ के निवासी हैं? ये नहर पे जो रात को एक्सीडेंट हुआ, क्या घटना थी? ये आपस में आमने सामने से गाड़ी टकराई। किन किन गाड़ी टकराई है, कहाँ कहाँ से आ रहे थे? सागन से कैलाशी आ रहा था अपने शादी का सामान लेकर, और पिंटू रोहता की तरफ से आ रहे थे जो अपने शादी के लिए फ्लैट वगैरह का सामान लेकर जा रहे थे, तो आमने सामने उनकी गाड़ी टकराई। फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे दोनों खत्म हो गए, बच्चे का थोड़ा सांस चली गई, उसे हॉस्पिटल ले जाने रस्ते में खत्म हो गए। ये आप पिंटू कहाँ के थे? पिंटू फतेहपुर। और ये कैलाशी? नगला प्रताप के। ठीक, क्या नाम है आपका? चंद्रवान। कहाँ के निवासी हैं? नगला प्रताप। रात को ये क्या हुआ है?
रात को एक्सीडेंट हुआ। कहाँ हुआ था? नहर पे। कौन सी नहर पर? बड़ी नहर पे, मलपरा वाली पर। मलपरा वाली पर। अच्छा, क्या पूरी घटना रही विस्तारपूर्वक वो बताएं आप। कपड़ा लेके आए, कपड़ा लेके आ रहे, कपड़ा ले गए थे सागन डाले की, पहली तरफ शादी थी लड़की, पहली तरफ से आ रहे थे, जैसे गर्ल बाइक जा रहे थे, आगरा की ओर से आ रहे थे। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम था उनका जो खत्म हुए हैं? केलासी। अच्छा, उम्र कितनी रही थी उनकी? 19 20 19 20। अकेले थे या कोई और भी साथ? नहीं, उनकी भाभी बैठी थी, लड़के की भाभी थी। हाँ। क्या उम्र रही थी उसकी? उम्र कितनी होगी? 35 किलो। अच्छा, फिर वहाँ कितने लोगों की मौत हुई है वहाँ पर? वहाँ दो तीन, एक तो मेरा नाती गया, एक लड़का और एक दूसरा पाली का गया।